दंगल फिल्म से सुर्खियों में आई कश्मीरी एक्टर जायरा वसीम एक बार फिर विवाद के चलते सुर्खियों में आ गई हैं। ताजा मामला केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल से जुड़ा है। अब की बार हिजाब को लेकर दोनों पक्षों के बीच ट्विटर पर वार हुआ है। दरअसल हाल ही में विजय गोयल ने दिल्ली में इंडिया आर्ट फेस्टिवल की एक पेंटिंग का हवाला देते हुए ट्वीट किया था। दरअसल उस पेंटिंग में सलाखों में कैद एक महिला की तस्वीर भी थी। उस पर विजय गोयल ने ट्वीट किया कि यह पेंटिंग जायरा वसीम की तरह की कहानी को पेश करती है। पिंजरा तोड़कर हमारी बेटियां बढ़ने लगी हैं आगे, हमारी बेटियां सशक्त हो रही हैं। अपने नाम से तुलना होने पर जवाब देते हुए जायरा वसीम ने कहा, सर मैं आपसे बेहद अदब से कहना चाहती हूं कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं। मेरी गुजारिश है कि आप मुझको इस तरह से संबंध नहीं करें। हिजाब में भी महिलाएं खूबसूरत और आजाद हैं। साथ ही इस पेंटिंग में जो कहानी पेश की गई है वह मुझसे लेस मात्र भी संबंधित नहीं है। जबकि कुछ समय पहले दंगल फिल्म की सफलता के बाद और 10वीं बोर्ड में 92% अंक पाने पर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जायरा से मुलाकात की थी और कहा था कि प्रतिभा के मामले में कश्मीर के युवा किसी से कम नहीं हैं। इस मुलाकात के बाद जायरा को ट्विटर पर जमकर ट्रोल किया गया था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रहने वाली जायरा ने हालांकि इसके बाद फेसबुक पर एक अपोलॉजी पोस्ट की। उसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें खुद पर गर्व नहीं है और उन्हें कश्मीर के युवाओं का रोल मॉडल कहना अपमानजनक होगा। हालांकि बाद में जायरा ने वह पोस्ट डिलीट कर दिया था।